सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हीरो का नया कलर वेरिएंट, जहां पर आपको हीरो की HF 100 में कुछ नए स्कीम के साथ कुछ नया कलर देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये जो बाइक है वो ऑलरेडी बहुत पुरानी है, ये काफ़ी समय से बेची जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें कलर है, स्कीम है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और शायद यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी जहाँ पर आपको इस कलर स्कीम में इस बाइक को देखने को नज़र आ जाती है। इस बाइक में खास क्या है कि यहाँ पर आपको सेल्फ नहीं मिलता है। जी हाँ, इस बाइक में यही खास है कि इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। मैं आपको एक बार कन्फर्म भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो आपको पावर स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये है एक HF डिलक्स, ठीक है। इस HF डिलक्स में आपको यहाँ पर एक पावर की स्विच मिल जाएगी जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आ जाएं तो ये है हमारी HF 100, जिसके अंदर आपको कोई भी सेल्फ का स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत चीज़ें कटौती की गई है, तो गाड़ी का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, मतलब काफ़ी अंतर हो जाता है। बाकी वाइजर के साथ देखा जाए तो इसका वाइजर, यानी ये HF डिलक्स है और यहाँ पर हमारे सामने HF 100 है, तो इसका वाइजर अगर देखा जाए तो लगभग उसके जैसा ही है। सिर्फ उसमें ग्राफिक का अंतर है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है 3D का हीरो का लोगो नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल से स्टिकर लगा दिए गए हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर आ जाएं तो HF डिलक्स में आपको 3D का लोगो मिल जाता है। और साथ में अगर साइड बाई साइड देखें तो टैंक का जो शेप है वो भी लगभग सेम है, बल्कि पूरा सेम है, बस यहाँ पर कलर चेंज है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसमें भी स्टिकर ही मिलेगा हीरो का, यहाँ पर भी आपको HF डिलक्स में भी हीरो का स्टिकर ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको वही सेम एज इट इज़ मिलने वाला है स्टिकर में। तो जो 3D का लोगो है वो केवल और केवल एक मिलता है HF डिलक्स में, लेकिन HF 100 में आपको कोई भी 3D का लोगो नहीं मिलता है। चैन कवर की बात की जाए तो यार यहाँ पर प्लास्टिक का चैन कवर आ चुका है, जो कि आप देख सकते हो। पहले यही स्टील के आया करते थे, खटखट की आवाज़ हुआ करती थी, बाद में उसमें प्रॉब्लम आया करती थी, उसके बाद कंपनी ने इसे हटा दिया। लेकिन अब जो चैन की नॉइस है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर चैन थोड़ा बहुत लहर भी कर रही है तो वो चैन प्लास्टिक में लड़ करके आवाज़ नहीं करती है, आपको महसूस हो जाएगा लेकिन वो अननोइंग नहीं लगेगा आपको, मतलब बुरा फील नहीं करवाएगा रास्ते में किसी और के सामने, आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होगी कि यार गाड़ी जो है आपकी वो मेंटेन नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर टैंक पर देखें तो ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है, यहाँ पर आपको अभी भी सील लगी हुई मिल जाती है, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का सील है, बाद में इसे आप हटा देंगे। पहले यहाँ पर एक और सील लगी हुई आती थी जिसमें ये मालूम पड़ता था कि अभी तक इस बाइक में पेट्रोल भरा गया या फिर नहीं, लेकिन अब वो सील हटा ली गई है क्योंकि शोरूम पर उसे ज़्यादा मेंटेन कर नहीं पाते थे, न चाहते हुए भी शोरूम वालों को इस बाइक को कहीं और से कहीं और लाने के लिए पेट्रोल डालना ही पड़ता था। बात करें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यार बहुत ही बेसिक से हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि पेट्रोल डाला गया तो तभी तो ये लगभग 0.9 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स चल चुकी है। फ्यूल बार अगर देखा जाए तो नॉर्मल से हैं, अभी इस बाइक की PDI नहीं हुई है, जो कि आप जान सकते हो नई बाइक है। तो जब फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर तो आप इतना समझ सकते हो कि जब नई वीडियो है तो कहाँ से इसका कोई और वीडियो देखने को मिलेगा या कोई और वीडियो अपलोड होगा। हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट यहाँ पर आपको हेलोजन की देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी बल्कि हेडलाइट है, आपको ऐसा फील नहीं पड़ेगा कि ये बहुत छोटा है और इसका जो थ्रो है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा हेडलाइट के थ्रू। इसका जो इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन के मिल जाते हैं, जो कि 5 के 10 वाट के आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक से हैं, कुछ खास नहीं है। सस्पेंशन बहुत ही बेसिक से हैं, फ्रंट और रियर का जो टायर है वो भी सेम सेगमेंट के हैं, केवल गोटियों का शायद अंतर है या फिर शायद वो भी नहीं है। एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अगर गोटियों का ये डिज़ाइन है तो, रियर में मैं खुद भी देख लेता हूँ, मुझे अभी खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर गोटियों का अंतर ज़रूर है, फ्रंट और रियर के टायर के सेगमेंट सेम है लेकिन गोटियों में ज़रूर अंतर। यहाँ पर आपको ग्रूप्स काफ़ी मोटे मिल जाते हैं, वहीं अगर यहाँ पर आ जाएँ तो वही ग्रूप्स थोड़े से पतले हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, सस्पेंशन बहुत ही बेसिक से हैं, चाहे फ्रंट के हों चाहे रियर के हों, और जो इसका टेल लाइट है वो भी आपको हैलोजन के ही देखने को मिल जाते हैं। सो अगर दोस्तों आपको भी इस बाइक को परचेज़ करना हो तो क्या आप इसे परचेज़ करना पसंद करोगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी सभी बाइक्स का। बाय बाय।